आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत साल पहले हमारे गांव में एक अजीब सी घटना घटी थी, जिसमें सभी गांव वालों की आंखें लाल और मोटी पड़ गई थी। सभी के चेहरे ऐसे हो गए थे मानो कि वो किसी शौक में हो। असल में उस रात हम सबके साथ क्या हुआ ये किसी को कभी भी पता नहीं चला, और फिर बीतते वक्त के साथ हम सब उस घटना को भूल गए। हाँ, वो बात अलग थी कि इस घटना ने सभी के मन में अलग अलग विचार उत्पन्न कर दिए थे। खैर, काफी अरसे के बाद आखिरकार हमें पता चला कि उस रात असल में हुआ क्या था। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं शहर गया हुआ था नौकरी के सिलसिले में। नौकरी तो नहीं मिली, ऊपर से जो पैसे लेकर गया था अब वो भी खत्म होने को थे, जिस वजह से मैंने वापस घर लौटने की सोची। सुबह के 7 बजे की गाड़ी से मैं गांव के लिए निकल गया, और फिर जब गांव के बस डिपो पर उतरा तो तब तक काफी रात हो चुकी थी। मतलब बाहर कोई घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ जोरों की हवाएं चल रही थी, और मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। मैंने भी अपनी चाल तेज कर दी और गांव की तरफ तेज तेज बढ़ने लगा। फिर जब मैं गांव के करीब पहुंचा तो मुझे रोने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि मेरा कोई बहम है, मगर जैसे जैसे मैं गांव के करीब आता गया वो आवाजें तेज होती गईं। फिर जब मैं गांव में दाखिल हुआ तो देखा कि काका काकी और उनका पूरा परिवार अपने घर के दरवाजे पर बैठे रो रहे हैं। उन्हें रोता देख मैं उनकी तरफ दौड़ा ही था कि तभी मेरी नजर गांव के दूसरे घरों के दरवाजे पर पड़ी, जिसे देखकर मैं घबरा सा गया। दरअसल गांव के सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ अपने अपने घरों के बाहर बैठकर रो रहे थे। उन्हें एक साथ चिकर चिकर कर रोता देख मेरे पसीने छूटने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एकाएक पूरे गांव वाले रोने क्यों लगे हैं। फिर जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरा भी परिवार घर के बाहर रोए जा रहा है। इसी बीच मेरी नजर एक औरत पर गई जो गांव के अंत में बने एक पुराने मकान की दहलीज पर खड़ी थी, और एक वो ही थी जो रो नहीं रही थी। फिर जब मैंने उसके करीब जाकर देखा तो एक पल के लिए मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। दरअसल वो औरत कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक यक्षिणी थी। उसका चेहरा कभी बेहद खूबसूरत तो कभी एकदम से भयानक हो जाता। मैं अभी उसी औरत को ही देख रहा था कि वो एकदम से मेरे करीब आ गई और मुझे मेरी गर्दन से पकड़कर खींचते हुए उस पुराने घर में ले गई। उस घर के अंदर एक सुरंग थी तो उसने मुझे सुरंग में ले जाकर पटक दिया। अंदर अंधेरे के साथ साथ काफी फिसलन भी थी, जिस वजह से मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे मैं कुछ ही देर में फूट फूट कर रोने लगा, और इसी बीच मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। फिर जब मैंने पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया और वो चुड़ैल कहाँ पर गई, तो इस पर पापा ने बताया कि बेटा वो एक यक्षिणी थी और ये उसके आने जाने का रास्ता है, और वो पुराना घर उसके रास्ते के बीच में आता था, इसलिए उस घर के रहने वालों को उसने सालों पहले ही मार दिया था। वो जब भी यहाँ से गुजरती है तो आसपास के रहने वाले लोगों को इतना ज़्यादा दुख होता है कि वो रात भर रोते रहते हैं। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि दूसरे गांव वाले ने उस चुड़ैल को तुम्हें घर में ले जाते हुए देख लिया था, और हमको पता चलते ही तुम्हें बेहोशी की हालत में वहां से तुरंत ही निकाल लाए। ये सब जानने के बाद मेरी हालत और भी पतली होने लगी थी। खैर, उस रात मैं कैसे भी करके बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।